शांति तू उसे कुछ बोलती क्यों नहीं है? सबके सामने उसने तेरी इतनी बार बेइज्जती करी है। तू है कि देवी की मूर्ति बनी सब कुछ सहती रहती है। छोड़ ना प्रिया, हिना ना समझ है। अब उसके जैसे मैं भी बन जाऊँ तो भला क्या फर्क रह जाएगा उसमें और मुझ में? बंद कर ये सब बकवास। ये सब बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं। और वैसे भी मैं तुझे क्यों समझा रही हूँ? तू जा और हर बार की तरह अकेले कमरे में खुद को बंद कर और खूब रो। इससे आसान रास्ता नहीं है तेरे पास, समझी? और सुन ले, अगर वक्त रहते तूने कुछ नहीं किया ना, तो देखना तेरा बॉयफ्रेंड भी एक दिन उसके बिस्तर पर ही मिलेगा। प्रिया शांति से ये सब कहते हुए अपने रास्ते को चली गई। शांति भी प्रिया की बातों को सोचते सोचते घर आई, और घर आते ही उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, फिर एक कोने में बैठी रोने लगी। दरअसल शांति को हिना रोज स्कूल में बुला किया करती थी। जैसे चार लोगों के बीच शांति के कपड़ों का, उसकी शक्ल का, सूरत का मजाक बनाना, उसे नीचा दिखाना। हालांकि दोनों स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन हिना को शांति भोटी आंख नहीं सुहाती थी। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था विवेक। दरअसल हिना विवेक को बहुत पसंद करती थी, लेकिन विवेक तो शांति से प्यार करता था। और शांति है कि विवेक को घास तक नहीं डालती थी, क्योंकि शांति को लगता था कि विवेक भी उन्हीं लड़कों में से है जो शांति के साथ केवल सोना चाहता है। पर पिछले कुछ महीनों में शांति की यह सोच बदलने लगी थी। उसके दिल में भी विवेक के लिए प्यार पनपने लगा था। पर फिर जब हिना का जन्मदिन था तो उसने पूरी क्लास को अपने घर पार्टी के लिए बुलाया। इस पार्टी में शांति और प्रिया भी आए थे। शांति इस पार्टी में ये सोचकर आई थी कि वो आज विवेक से बात करेगी, उसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक मौका देगी। इसी सोच के साथ जब उसने विवेक को ढूंढना शुरू किया तो पूरे घर में विवेक उसे कहीं नहीं दिखा। लेकिन फिर अचानक ही उसकी नजर एक कार की बैक सीट पर पड़ी। उसने देखा विवेक और हिना दोनों किसी सांप के जोड़े की तरह बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ये देखकर शांति का दिल तोड़ गया था, लेकिन उसके आंख से आंसू का एक कतरा नहीं गिरा। वह बस प्रिया का हाथ पकड़कर तुरंत ही पार्टी से सीधा घर आ गई और एक बार फिर बाथरूम में खुद को बंद कर रोने लगी। यार, पहले पता होता कि तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है तो मैं तुझसे पहले ही दोस्ती कर लेती। खामखा हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में इतना गलत गलत सोच रखा था। क्या है ना, तू भी लगता है तुझे आज चढ़ गई है। मैं कहती हूँ तू अपने बॉयफ्रेंड विवेक को कॉल करके बुला ले, वो तुझे घर छोड़ देगा। क्यों प्रिया, सही कह रही हूँ ना मैं? शांति, हिना और प्रिया तीनों शांति के घर पर बैठे दारू पार्टी कर रहे थे। और बीते 3 महीने में शांति और हिना की अच्छी जमने लगी थी। हालांकि प्रिया को शांति और हिना की अचानक हुई इस गहरी दोस्ती में अक्सर कुछ काला दिखाई देता था, लेकिन प्रिया बिना किसी से कुछ कहे इन सब बातों को अपने अंदर ही दबा लेती थी। क्या तुझे भी चढ़ गई है क्या? पर तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर तू किसे बुलाएगी? शांति ने प्रिया से कहा था, पर ये बात सुन हिना जोर जोर से क्यों हंसने लगी थी। वैसे बॉयफ्रेंड तो तेरा भी हो सकता था शांति, लेकिन बेचारा नाड़े का जरा ढीला निकला। शांति और प्रिया दोनों समझ गए थे कि हिना विवेक की बात कर रही है, पर शांति ने हिना से कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर बाद उसके सामने जाकर वो बोली कि जब किसी को नशा हुआ ही नहीं है तो एक गेम खेलते हैं, देखते हैं केवल लोग बातें करना जानते हैं या फिर उन्हें निभाना भी। शांति की बात सुनते ही हिना ने तुरंत जोश में कहा, हाँ ये करी ना तुमने कुछ इंटरेस्टिंग बात, बताओ क्या गेम है, फिर मैं दिखाती हूँ मुझ में कितनी हिम्मत है। तुम दोनों को यूं चुटकियों में नहीं हरा दिया ना तो मेरा नाम भी हिना नहीं। हिना का ये जोश देखकर शांति ने उसे गेम के बारे में बताते हुए कहा, क्या तुमने बेबी ब्लू के बारे में सुना है? बेबी ब्लू? देख, शादी से पहले सेक्स तो किया है, लेकिन शादी से पहले बच्चा नहीं कर सकती मैं, वो भी नीला। हिना ने शांति की बात खत्म होते ही अपना गंदा जोक सुना दिया था, पर फिर शांति ने उसे बेबी ब्लू के बारे में बताते हुए कहा, हिना मैं जानती हूँ हम सब में से हिम्मत वाली लड़की तुम ही हो, इसलिए सबसे पहले ये गेम तुम्हें ही खेलनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले इस गेम के बारे में जान लो। तो बेबी ब्लू खेल खेलने के लिए पहले आपको बाथरूम में जाना होता है और लाइट दरवाजा बंद करना होता है। फिर आपको शीशे में देखना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाना है जैसे कि कोई बच्चा आपके हाथ में हो, और बिना रुके 13 बार बेबी ब्लू नाम लेना होता है। यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप अचानक से अपनी बाहों में एक अदृश्य बच्चे का वजन महसूस करते हैं। फिर वो बच्चा थोड़े थोड़े समय में बड़ा होता जाता है।
और उसका वजन बढ़ता जाता है। आपको महसूस होगा कि वो बच्चा आपको खरोच भी रहा है, पर इससे पहले कि वो बच्चा भारी हो, आपको इस अदृश्य बच्चे को बाथरूम में बहा देना होगा और बाथरूम से बाहर आ जाना होगा। यदि आप जल्दी बाथरूम से बाहर नहीं आते हैं तो आपको शीशे में एक भयानक औरत दिखाई देगी और वो जोर से चिल्लाएगी कि मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, और शीशा तोड़कर वो बाहर भी आ जाएगी। और अभी तक आपने उस बच्चे को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है तो वो औरत आपको मार डालेगी। तो हिना, क्या तुम ये गेम खेलने के लिए रेडी हो? शांति की बात सुनकर हिना ने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर फिर अचानक ही दहाड़े मारकर हंसने लगी। क्या शांति, मैं तो तुम्हें एक सिंसियर लड़की समझती थी, और तुम क्या ये बेबी ब्लू रेड येलो का गेम खेलने के लिए बोल रही हो? गेम नहीं खेलना है तो साफ साफ बोल दो कि तुमने हार मान ली है, तुमको भूतों से डर लगता है। फिर मैं और प्रिया ही इस गेम को खेलेंगे। हिना कभी हार नहीं मानती, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। बंद करो लाइट, मैं भी देखती हूँ ये बेबी ब्लू गेम किस चिड़िया का नाम है। जोश में सबसे कहते हुए हिना खड़ी हो गई थी। उसने बचा हुआ अपना दारू का गिलास भी एक घूंट में अपने गले के अंदर उड़ेल लिया था। फिर लड़खड़ाते हुए वो सीधे बाथरूम की ओर चल दी। शांति, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये किस अनहोनी को अंजाम देने जा रही हो तुम? प्रिया ने शांति से दबी आवाज में कहा था, पर इससे पहले शांति प्रिया की बात का जवाब देती, हिना ने बाथरूम जाते जाते एक बार फिर पूछा, तेरा बार बोलना है ना? हाँ, तेरा बार, शीशे में देखकर। शांति ने हिना से कहा और फिर तुरंत ही पूरे घर की लाइट बंद कर दी। इसके बाद जैसे ही हिना ने बाथरूम में खुद को बंद किया, शांति ने भी बाथरूम को बाहर से लॉक कर दिया था और हिना का फोन लेकर उस पर कुछ लिखने लगी। इधर बाथरूम में हिना ने पहले तो एक कैंडल जलाई, फिर शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराते हुए अपना हुलिया ठीक किया। फिर जैसा जैसा शांति ने उसे गेम के बारे में बताया था, हिना भी ठीक वैसा करने लगी। उसने पहले अपने हाथ को ऐसा किया जैसे कि उसकी गोद में कोई बच्चा हो, फिर शीशे में खुद को देखकर बेबी ब्लू पुकारने लगी। पहले 3 से 4 बार तो हिना को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने बेबी ब्लू का नाम आगे पुकारा, उसे शीशे में पहले तो अपने पीछे हल्का हल्का किसी का अक्स महसूस हुआ, और फिर धीरे धीरे उसे अपनी गोद में कुछ चीज महसूस होने लगी। ये वो पहला लम्हा था जब हिना को डर का एहसास हुआ था, और जब 13वीं बार हिना ने बेबी ब्लू बोला तो उसे अपनी गोद में एक बच्चे का वजन महसूस होने लगा था, और अगले ही पल हिना के हाथों पर नाखूनों के निशान उभरने लगे। शांति का कहा सच हो रहा था, वह बच्चा हिना के हाथों को नोच रहा था। अपने हाथों से निकलता खून देखकर हिना का सारा नशा एक पल में उतर गया। उसने तुरंत ही अपने हाथों को झटका और बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन जैसे ही उसे महसूस हुआ कि दरवाजा बाहर से बंद है, हिना का डर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। डर के मारे उसने दरवाजे को इतनी जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया था कि उसके खुद के हाथ लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन उसे बस किसी भी तरह इस बाथरूम से बाहर निकलना था। पर अभी तो ये बस हिना के बुरे वक्त की शुरुआत भर थी, क्योंकि उसे अब अपने पैरों पर भी किसी के खुरचना महसूस होने लगा था। उसने जब नीचे देखा तो उसके पैर भी पूरी तरह से उसके ही खून में सन चुके थे। बाथरूम में अब हर तरफ बस खून ही खून बिखरा हुआ था कि अचानक ही उसे आईने में भी एक औरत का अक्स साफ दिखने लगा था, जो बेहद डरावना और खूंखार था। और औरत हिना को देख बस एक ही बात बार बार बोले जा रही थी, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। उस औरत का चेहरा इतना भयावह था कि हिना की रूह तक कांप गई थी। इस वक्त उसकी आंखों के सामने एक भयानक औरत का अक्स था और नीचे उसके पैरों के पास क्षेत्र का बच्चा। ये सब देख हिना समझ गई थी कि अब उसका जिंदा बचना नामुमकिन है, पर फिर भी उसने आखिरी सांस तक दरवाजा पीटना नहीं छोड़ा। हिना चीखती रही और दरवाजा पीटती रही। इधर प्रिया और शांति बाथरूम के बाहर खड़े होकर हिना की चीखें सुनते रहे। इसी बीच प्रिया ने शांति को एक गिलास थमाते हुए कहा, अब मिली तेरे कलेजे को ठंडक? नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ वक्त। इससे पहले शांति अपनी पूरी बात कर पाती, बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाज सुन रही थी, और अगले ही पल शीशा टूटने लगा, और फिर इसके कुछ सेकंड बाद ही सारी आवाजें शांत हो गई। चीयर्स, अब आया असली मजा। ये कहते हुए शांति ने प्रिया से चीयर्स किया और एक बार में पूरा ग्लास खत्म कर दिया।
शांति के चेहरे पर अब एक सुकून वाली मुस्कान थी। उसे पता चल चुका था कि हिना अब इस दुनिया में नहीं है। पर फिर तभी दरवाजे पर कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। कार में विवेक आया था। दरअसल जब हिना जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, तब शांति ने उसके फोन से विवेक को मैसेज कर अपने घर पर बुला लिया था। लो, विवेक भी आ गया। ये कहते हुए शांति दरवाजे की ओर बढ़ी ही थी कि अचानक ही कुछ कदम बाद लड़खड़ाता हुआ जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। एक पल को उसे समझ नहीं आया कि आखिर इसके साथ हुआ क्या, पर फिर भी प्रिया उसकी आंखों के सामने आई। शांति, अब तुम चैन से सो जाओ। बहुत बदला बदला खेल लिया तुमने, और वैसे तो तुम्हें पता ही है, लेकिन मरते वक्त भी ये सुन लोगी तो शायद नर्क में दूसरों को भी बता पाओगी। वो क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्रिया ने शांति से कहा, और फिर हर बढ़ते कदम के साथ और उसकी आंखों के ठीक सामने विवेक खड़ा था। प्रिया भी बलखाती अदाओं से एक एक कदम बढ़ाते हुए विवेक के गले जा लगी और एक बार फिर हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।